क्या करने वाला हूँ, आई एम गोना रीड इट लाइन बाय लाइन फॉर यू, और आपको समझ आएगा कि हमें पैरासमरी कैसे करनी फॉर एओनेसिस, और समझ भी आ जाएगा कि एओनेसिस पढ़ते कैसे हैं। क्या करने वाला हूं, आई एम गोना रीड इट लाइन बाय लाइन फॉर यू, और आपको समझ आएगा कि हमें पैरासमरी कैसे करनी फॉर एओनेसिस, और समझ भी आ जाएगा कि एओनेसिस पढ़ते कैसे हैं। टॉपिक है वेस्ट एज, जब भी एओनेसिस आएगा टॉपिक नहीं पढ़िए, उसको इग्नोर करिए और खुद पढ़ना शुरू करिए, बिकॉज आपको यह भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द मेन आइडिया ऑथर इज ट्राइंग टू मेक। तुमने अगर पहले ही क्वेश्चन पढ़ लिया ना तो कैट के अंदर मजा नहीं आएगा, इसलिए सिर्फ इतना पढ़ेंगे पहला पैराग्राफ, एक मिनट पॉज करके आप लोग इसको पढ़ सकते हैं और फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जब हो जाएगा स्टार्ट करेंगे। लेट्स बिगिन। The opposition between nature and culture is problematic for many reasons. Full concentration. ये जिनको इनका opposition है nature और culture, कहाँ nature और कहाँ culture दोनों को link कर रहा है paper shredder author, कितना smart है, आगे देखो। But there is one way that we really do. There is एक तरीका है जो कि हम कभी discuss नहीं कर सकते, वो तो काफ़ी problematic है, काफ़ी reason है, but एक तरीका है nature versus climate का dualism. Dualism का मतलब जो दो बातें इकट्ठी जाती है उसको हम dualism बोलते हैं। Leaves out entire domain, एक पूरी की पूरी domain को वो छोड़ देता है। A domain that property belongs to neither, ना तो property इसको belong करती है ना तो belong, तो किसको, colon world of waste, इसको क्या बोल रहा है वो, world of waste। ध्यान से colon का मतलब क्या है बच्चों, what is the meaning of colon, anyone, what's the meaning of colon, colon का मतलब है meaning, very good, colon का मतलब है meaning, आगे चलते हैं। Dualism leave belong to the neither, colon the world of waste, किसको, वर्ल्ड ऑफ वेस्ट को बिलोंग नहीं करता है। द माउंटेन ऑफ वेस्ट, समझ पा रहे, ऊपर फोटो भी लगा हुआ है, माउंटेन ऑफ वेस्ट दैट वी प्रोड्यूस एवरी ईयर, द टॉरेंट्स ऑफ पॉल्यूटिंग, टॉरेंट्स पता है आपको, व्हाट इज टॉरेंट, टॉरेंट्स इज लाइक अ मिक्स, वो नहीं होता जब टॉर्नेडो आता है ना, टॉर्नेडो वगैरह आता है उसको हम टॉरेंट, बहुत ही बड़ी चीज जो तूफान टाइप्स है ना, तूफान, टॉरेंट ब्राउजर भी है बिल्कुल, वर्लपूल, बहुत बढ़िया। द टॉरेंट्स ऑफ पॉल्यूटिंग एफ्लुएंट, ओके, टॉरेंट का मतलब एफ्लुएंट, एफ्लुएंट क्या होता है, जो चीज़ निकलती है, इंग्लिश लैंग्वेज का, लैंग्वेज में ई का मतलब बाहर, हाँ, एक्सहेल, एक्ज्यूम, गैसेज एक्ज्यूम होती है, एक्स गर्लफ्रेंड है ना, बाहर जा चुकी है, ठीक है। टॉरेंट्स, एक लार्ज टाइड, टॉरेंट्स ऑफ पोल्यूटिंग एफ्लुएंट, एफ्लुएंट बाहर निकलने वाले, कॉमा, द बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, द कॉस्मोस मतलब यूनिवर्स बन चुका है, ऑफ माइक्रो प्लास्टिक, छोटे छोटे प्लास्टिक्स एक्सपैंडिंग थ्रू आर ओशंस, ये ओशंस के अंदर अगर कोई बंदा स्कूबा डाइविंग वगैरह जाओगे ना कभी आप, या स्नॉर्कलिंग वगैरह जाओगे, पानी के अंदर बहुत ही गंद पड़ा हुआ है, तो मैं शर्म आएगी अपना ह्यूमन माइंड कहने के, मैं लास्ट ईयर मालदीव्स के अंदर था फॉर माई स्कूबा डाइविंग कोर्स, तो मतलब सीरियसली यार, तुम्हें टॉर्टोइस दिखेंगे उसके गर्दन पे, यू नो, रस्सी वस्सी बंधी हुई है, प्लास्टिक बंधे हुए, मरे पड़े हैं टॉर्टोइस, जबकि टॉर्टोइस की जिंदगी, यू नो, टर्टल की जिंदगी 300 साल तक की होती है। एनी विच वेज, एक्सपैंडिंग थ्रू आर ओशंस, हाइफन, हाइफन, none of this have ever been entered into the ledger under the culture. Ledger, जिसे हम फाइनेंस में करते हैं ledger, है ना, ledger में राइट साइड, लेफ्ट साइड, डेबिट कार्ड लिखते हैं, तो यार कल्चर ledger के अंदर कहीं भी नहीं है, रजिस्ट्री, बहुत बढ़िया। ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन हैंड्स, इट्स द ओवर, भाई ओवर का मतलब, एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ ओवर, एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ ओवर, ओवर आर्ट, कोई भी जो तुम्हारा कार्ट होता है, एक तो मैन्यूवर होता है, मैन्यूवर सुना आपने, मैन्यूवर करो, है ना, मैन्यूवर का मतलब होता है मैन, हाथ से कुछ करना, मैन्यूवर कर लो, है ना, निकालना, ठीक है, आगे, ओके, वॉइस नहीं आ रही है, रीजॉइन, 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 ओके, ओवर दैट नो वन वॉन्ट्स टू ओन, ये ऐसा कुछ काम है, ये ऐसी एक आर्ट है जो किसकी ओनरशिप नहीं लेता कोई, हाँ, कोई इसकी ओनरशिप नहीं लेता, कॉमा, डिस्कस और प्रेफरली एवन सी, अपन इग्नोर कर देते हैं इन सब चीज़ों को, येट, तथापि, इट कांट बी assimilated into nature either, यार इसको नेचर में भी assimilate नहीं कर सकते, और at least not in the way that pre-industrial waste, industry की पहले वाला has been for the millennia, जो industrial का waste के पहले वाला जो waste है वो जैसे अभी तक last millennia, millennia क्या होता है भाई, anyone knows, 100 years की 1000 years, what's millennia, anyone knows, millennia क्या होता है, 100,000 ईयर्स, 1K ईयर्स, बहुत बढ़िया, जो लास्ट ईयर्स के अंदर वो चीज़ है, बोल रहा है ये नेचर में भी हम एक्यूमुलेट नहीं कर सकते जिस वेस्ट की वो बात कर रहा है। दिस न्यू इम्प्रूव्ड वेस्ट इज इनकम्पैटिबल विद अर्थ, ये जो इम्प्रूव्ड वेस्ट करके हम बाहर निकाल रहे हैं, आजकल फंडा हो गया भाई, तुम सीधा वेस्ट नहीं निकाल सकते। अगर आप, मैं थोड़ा एक आपको अपने GRE GMAT का एग्जांपल देता हूँ, सो आई वाज इन US ऑल्सो फॉर अ वाइल, और मेरे GMAT का भी यही रीडिंग कॉम्पिटिशन आता जब मैंने दिया था लॉन्ग बैक, US के अंदर एक लेक है मिशिगन, मिशिगन लेक जो है उसका पानी धीरे धीरे साफ होता जा रहा है, मतलब पॉल्यूटेंट्स उसके अंदर लोग डालते हैं बट पानी साफ होता जा रहा है, किसी को पता है, और उसका पानी अप्रॉक्सीमेटली 3% साफ होता जा रहा है एवरी ईयर, ट्रीटेड वेस्ट। तो कोका कोला वगैरह को बोल दिया कि भाई तेरे को जो भी काम करना है ना, अगर तेरे को पानी अंदर डालना है, गंद में कहाँ डालेगा पानी, तो कहीं तो डालना ही है, राइट, गंदगी कहाँ डालोगे, तो ये क्या करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं और उसको दोबारा लेक के अंदर डालते हैं, तो मिशिगन लेक इज गेटिंग बेटर एंड बेटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये पूरा का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, समझ रहा, इंडिया में जैसे गंदगी होती जा रही, तो बोल रहा है दिस न्यू इंप्रूव वेस्ट इज इनकम्पैटिबल विद अर्थ, भैया टू केमिकल, टू ड्यूरेबल, टू नॉक्सियस, अल्टीमेटली टू वॉल्यूमिनियस, इसका वेट बहुत बहुत ज्यादा है। क्विक 5 सेकंड चेक, समझ आया कि नहीं तुम लोगों को,
क्विक 5 सेकंड चेक, पैसेज समझ आया कि नहीं, है ना भाई, पैसेज समझ आया। अब ये पैसेज को पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, अब तुम मुझे लाइन बताओ कि आपको क्या चीज़ का, इसका मतलब क्या है यार, इसका मतलब क्या है, एक लाइन के अंदर कोशिश करिए। नेचर बोल रहा है, क्लाइमेट बोल रहा है, मैं इसको कहाँ पे फिट करूँ वो बोल रहा है, बैटल बिटवीन द नेचर एंड इंप्रूव्ड डेज, बहुत बढ़िया, ये भी हो सकता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। वेस्ट बोल रहा है, वेस्ट तो बोल ही रहा है, क्या एग्जैक्टली रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड कल्चर बोल रहा है, बहुत बढ़िया। और कुछ चीज़ मिस कर रहे हो आप लोग, कुछ चीज़ मॉडर्न वेस्ट, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने नेचर और कल्चर तक तो मिस कर दी, यहाँ तक नेचर और कल्चर की बात थी, पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो नए जो वेस्ट की बात कर रहा है उसको भी आप लोगों को इंक्लूड करना है, ओके, जो नया चीज बात कर रहा है उसको भी इंक्लूड करना है। व्हाई कैन वी रिलेट नेचर विद, बहुत बढ़िया, पॉल्यूटिंग क्रिएचर वर्सेस नेचर, इंप्रूव वेस्ट, बहुत बढ़िया, कॉस्मोस ऑफ वेस्ट, बहुत बढ़िया। सिर्फ कॉस्मोस ऑफ वेस्ट नहीं, थोड़ा सा नेचर और कल्चर को भी आप इंट्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, समझ रहे हो, और डुअलिज्म की बात कर सकते हो तो वो भी अच्छी बात है कि दोनों जो डुअलिज्म है उसका आंसर फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। क्विक 5 सेकंड चेक, समझ आया कि नहीं भाई, नहीं समझ आया दोबारा पढ़ो, उसको स्क्रीनशॉट मारो, दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक है, समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो इसको एक लाइन में करना है, इसको पैरा समरी, कैट फाड़ना है तो एक ही तरीका है, ऐसे के पैसेज पढ़ना है, उसका मतलब समझना है, 4 बार 5 बार, यू मेक इट इजी, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा काम है इजी करना, और धीरे धीरे तुम पढ़ लोगे यार सर, ये तो कर पढ़ लिए तो।